हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज 13 तारीख की शाम है और शाम में ही रात बोलेंगे। रात के अभी 10:30 बज चुके हैं और मैं दीक्षा भूमि इस जगह पर हूँ। और अभी मैं आपको जो यहाँ का लुक बता रहा हूँ कि अभी आज कितने भी भीम अनुयायी यहाँ पर है दीक्षा भूमि में, तो आप जो मेरे पीछे में देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी तादाद में भीम अनुयायी यहाँ पर रात को भी है। और अभी रात के 10:30 बज चुके हैं, भीम अनुयायी यहाँ पर दीक्षा भूमि स्तूप में अभी भी बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए जा रहे हैं। दीक्षा भूमि ओपन है, सभी लाइटिंग्स जो है वो खुली है दोस्तों। और कल जो है वो कल 14 अक्टूबर 2024 वापस से ही इतिहास का वह स्वर्णिम दिन, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और हिंदू धर्म को त्याग दिया था, उस दिन को यहाँ पर कल सेलिब्रेट किया जाएगा। और कल के दिन का सभी लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो भीम अनुयायी कल अशोक विजयादशमी के दिन यहाँ पर आए थे, लाखों की तादाद में 50 लाख के करीब लोग यहाँ पर आए थे और बाबा साहब को अभिवादन कर आज सुबह और शाम तक वो अपने अपने घरों की ओर लौट चुके हैं। कुछ लोग ट्रेनों में होंगे दोस्तों और कुछ लोग अभी घर पहुंच चुके होंगे। तो दोस्तों, यह शाम को अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। तो भीम अनुयायी इधर हर जगह पर आपको दिखाई देंगे, हर जगह पर सोए हैं, आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप जो देख रहे हैं इधर कुछ बच्चे जो है वो फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं, सेल्फियाँ फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। भीम अनुयायी जो है सामने में दीक्षा भूमि की ओर आप देख सकते हैं, इधर देखेंगे तो टहल रहे हैं। कुछ लोग जो है वो अपने घरों की ओर निकल रहे हैं, इधर देखेंगे तो। और दीक्षा भूमि को अगर आप रात को देखेंगे तो यह सन्नाटा रहता है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि भीम अनुयायी यहाँ पर दीक्षा भूमि में है, हर जगह देखेंगे तो है। इधर में आप जो शिलालेख है वहाँ पर भी अगर देखेंगे तो भीम अनुयायी यहाँ पर है दोस्तों, और बैठे हुए हैं वो। कुछ लोग जो है वो बाहर से आए हुए अभी भी हैं, जो अपने घरों को नहीं लौटे हैं वो यहाँ पर अभी भी हैं। इधर में नज़दीक ही बौद्ध विहार है और उसी के नज़दीक जो है वो इधर शिलालेख है, वहाँ पर भी भीम अनुयायी को आप देख सकते हैं कि वो इधर आराम कर रहे हैं और इधर ही सोएंगे शायद, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो चादर पर जो है वो सोए हुए हैं। तो वो इसी दीक्षा भूमि में आज रुकेंगे। दोस्तों, इधर जो देखेंगे तो इधर में भिक्षुओं को इधर भोजन दान दिया जाता है। इधर में भी परिसर जो है वो क्लीन है, आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है। अब हम जो है इस बुद्ध विहार के पास आ चुके हैं। इधर ये जो बौद्ध विहार है आप देख सकते हैं, भिक्षु निवास बौद्ध विहार है। इधर में भीम अनुयायी को आप देख सकते हैं कि विहार के अंदर में ध्यान करने के लिए यहाँ पर जाते हैं वो, अब वो बाहर निकल रहे हैं। और इधर में हम जब आए हैं आगे में तो भी आप देखेंगे कि इधर भीम अनुयायी जो है वो यहाँ पर आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। और यह सामने में जो दिख रहे हैं यह 22 प्रतिज्ञा वाला शिलालेख है। इधर भी भीम अनुयायी बैठे हुए हैं। और हम अगर आगे जाते हैं तो ये जो है वो बोधि वृक्ष है, और बोधि वृक्ष के पास में भी जो है वो बाहर से आए हुए भिक्षुगण और बहुजन समाज के लोग यहाँ पर अभी भी आराम कर रहे हैं, सोए हैं। आप देख सकते हैं भीम अनुयायी को, इधर ये भिक्षुगण है इधर में आराम कर रहे हैं, और इधर ही जो है वो भीम अनुयायी हैं दोस्तों, और ये लोग जो है यहाँ पर ही सोए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यह बोधि वृक्ष है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर विहार के बाजू में मुझे भोजन दान मिला, तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा लंच कर लिया और मैं अभी आगे की ओर चलता हूँ। तो हम आगे अगर देखेंगे तो दीक्षा भूमि परिसर के सामने इधर में पुलिस अभी भी है यहाँ पर,
कुछ भी अनुयायी जो है वो अभी सोए नहीं है, दीक्षा भूमि परिसर में अभी भी घूम रहे हैं। इधर आप देखेंगे तो इधर पुलिस व्यवस्था के सिवाय जो है वो अभी भी है यहाँ पर, और अभी रात के 11 बजने जा रहे हैं, फिर भी अभी भीम अनुयायी यहीं पर हैं। अभी हम रोड पर जा रहे हैं, रोड पर जो है वो भीम अनुयायी दिखाई देंगे। कुछ लोग जो है वो भी घर की ओर निकल रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? नागपुर के हैं? घर जा रहे हैं अभी? ओके, कल आएंगे फिर? हाँ कल आएंगे फिर। ओके, जय भीम सर। जय भीम। तो दोस्तों यह दीक्षा भूमि के सामने की ये फ्रंट रोड है, फ्रंट रोड पे अगर आप देखेंगे तो भीम अनुयायी अभी भी यहाँ पर है, और अभी रात के 11 बज चुके हैं, और इधर कुछ भीम अनुयायी जो है वो आज अभी भी स्तूप के अंदर जा रहे हैं, और बाबा साहब को अभिवादन करने का उन्होंने सोचा होगा तो अभिवादन करने के लिए जा रहे हैं। कुछ दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। और साथ में ये छोटा सा बच्चा भी आया है, देख सकते हैं कि सोया नहीं है अभी। और ये रही दीक्षा भूमि दोस्तों। अरे बाप रे, जय भीम, जय भीम, जय भीम मैडम, जय भीम। काय नाव आहे तुझं? हां पूर्ण नाव सांग। काय म्हटलंय ना? अधिराज तायडे। ओ बाबांसोबत आहे मी म्हणा माझ्या। कोणासोबत आहे? झोपला येत आहे का? आई सोबत आहे। झोपला येत आहे तुला? झोपला नाही तू आतापर्यंत? कुठे जायचं आहे? दीक्षाभूमी मध्ये? कोणीकडे आहे? कोणीकडे आहे दीक्षाभूमी? कोणीकडे असं दाखव? अरे वा, कुठे आहे? तिथे कोण राहतात? कोण राहतात? बाबासाहेबांचं नाव काय पूर्ण? बाबासाहेब कुठे आहे? कुठे? तिकले अंधला आहेत ना? बर, कुठे कोणाचा आहे? बाबा साम बाबा। अरे बढ़िया, एक नंबर, खूप मस्त। ठीक आहे, आज आज अभिवादन करायला चालले? काल आले होते? काल पण आले होते? काली आलो होतो, काल आपल्या याच्यामध्ये बाहेर गावचे जे पाहुणे असतात त्यांना आपण या इथे येण्यासाठी नागपूरकरांनी नाही यावं, त्यांना आपण भेट द्यावं, आणि आज आपले पाहुणे आज आपले इथून मग या पवित्र दीक्षाभूमीवर आलेत, अभिवादन करून गेलेत, आणि आज आपण नागपूरकर म्हणून मी इथे या पवित्र दीक्षाभूमीला अभिवादन करण्यासाठी आलो। खूप मस्त, बढिया। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो दोस्तों आज की यह अपडेट है, रात के 11 बजे अभी आप देख सकते हैं दीक्षाभूमि परिसर के सामने में अभी भी चहल पहल है, इधर में भी बहुत सारे भीम अनुयायी इधर में अभी भी खड़े हैं, और वो लोग वहाँ उधर में जो है वो गीत गायन हो रही है, उधर में पांच जो गायक है वो गायन कर रहे हैं, वहाँ पर वो अपने उनके गीतों को सुनकर जो है वो प्रभावित होते जा रहे हैं। Hey,
और दोस्तों दीक्षा भूमि की यह जो अपडेट है रात की, आज 13 तारीख है, कल सुबह जो है वो 14 अक्टूबर है, कल वापस से दीक्षा भूमि में रंगत आ जाएगी, क्योंकि 14 अक्टूबर को जो है वो यहाँ के जो लोकल निवासी है वो 14 अक्टूबर अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों वो वीडियो जो है वो हाँ आप तक पहुँचाएँगे, उसकी सारी कल की जो 14 अक्टूबर की है वो पूरी अपडेट दोस्तों आप तक मैं पहुँचाऊँगा, कोशिश करूँगा। और कल ही जो है वो मैं आखिरी तीसरा भोजन दान देने जा रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे आर्थिक सपोर्ट किया है, तो मैंने दो दिन जो है वो वही भोजन दान से अपने भीम अनुयायियों को दिया है दोस्तों। अब मेरे पास में जो बचे हुए और पैसे हैं उसका मैं कल जो है वो तीसरा भोजन दान देने जा रहा हूँ। और वो कल हम शाम को किस समय कर रहे हैं मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे भीम अनुयायी ज़्यादातर शाम को आते हैं, उसके पहले मैं कोशिश करूँगा कि वो भोजन दान देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे कुछ वीडियोस जो है वो भी कवर करने के हैं, तो मुझे पहले ही देना पड़ेगा दोस्तों। तो आपने मुझे जो आर्थिक सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों आज की यह अपडेट है यहाँ पर दीक्षा भूमि में, अभी भी जो है वो भीम अनुयायी यहाँ पर है, हमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे दोस्तों फिर एक नई वीडियो में कल सुबह की, आपको आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।